पुनः गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसी के अनुरूप हम बात करेंगे। तो अगला हमारा जो वो है टॉपिक है वो पत्रकारिता पर ही है। पत्रकारिता क्या होती है तो हम पढ़ेंगे, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके समाचार का रूप देना, समाचार रूप के संपादन के रूप में संपादित करने की विधा को हम पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है भाई, क्या होती है कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके और उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को क्या नाम से पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता लेखन और साहित्य स्नातक लेखन का अंतर बताइए, पूछा जा सकता है। तो पत्रकारिता लेखन का प्रमुख धर्म है सूचना प्रदान करना, उसमें सूचनात्मक ज्ञान देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, उसकी भाषा और सूचना दोनों तथ्यात्मक होते हैं। और साहित्य को आप जानते हैं, सृजनात्मक लेखन भावात्मक, कल्पनात्मक या सौंदर्यपरक होता है, उसका उद्देश्य सूचना देना नहीं भाव जगाना, ये अंतर होता है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? अर्थात पत्रकारिता का मूल तत्व है नई सूचना प्रदान करना। नई सूचना यहाँ पर जाती है, पत्रकारिता का मूल तत्व होता है। और पत्रकारिता के विविध आयाम, पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए, यानी कि तो इसका मुख्य जो संबंध है मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके नए आयाम भी हैं। इसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टो आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार पत्रकारिता के लिखित आयाम सामने आए हैं। संपादकीय हो गया, फोटो पत्रकारिता होगी, कार्टून कोना हो गया, और रेखांकित कन और कार्टोग्राफ हो गया। तो ये चीजें भी पत्रकारिता के अंदर ही आती है। क्या क्या? संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना और रेखांकन। स्तंभ लेखन का क्या महत्वपूर्ण, जो लोकप्रिय लेखों के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहा जा सकता है। इसमें लेखक के विचार व्यक्त होते हैं। अर्थात क्या बता हुआ कि महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखों के लेखों लेखों के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहा जाता है, जिसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। और पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार आप जानते हैं कि खोज पर पत्रकारिता, जैसे सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार अनियमितताएं को उजागर करने के लिए खोज पर पत्रकारिता का सहारा ले जाता है। इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है। टेलीविजन में इसे स्ट्रिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जा सकता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड इसी खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। उसके अलावा है विशेषीकृत पत्रकारिता, है क्या नाम से विभिन्न प्रकारों में, एक तो खोज स्ट्रिंग ऑपरेशन, दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता, किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी लेते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे संसदीय पत्रकारिता हो गई, न्यायालय पत्रकारिता हो गई, आर्थिक पत्रकारिता हो गई, खेल पत्रकारिता हो गई, विज्ञान और विकास पत्रकारिता हो गई, अपराध पत्रकारिता हो गई, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये इसके अंतर्गत है। अगला है डॉग, वॉचडॉग पत्रकारिता, तो सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत कहलाती है। क्या? सरकार के कामकाज की निगाह रखना और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना, ये वाचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आती है।
एडोक ऐसी पत्रकारिता है ना, किसी खास विचारधारा मत या घटनाएं जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडोक ऐसी पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछालने के लिए खास विचारधारा द्वारा पत्रकारिता की जाती है, तो राम सेतु जैसे विषय के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए पक्ष पत्रकारिता की जाती है। एक सॉरी वैकल्पिक पत्रकारिता, प्राय सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकार का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पीठ पत्रकारिता या पेज स्तरीय पत्रकारिता, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें प्रश्न आ जाता है और इसको भी याद रखना कि पीठ पत्रकारिता क्या होती है। तो सनसनी है, कई बार होती है खबर आती है, कई बार आप देखते हैं टीवी चैनलों में बड़े अनोखे तरीके से इसको प्रसारित करते हैं, तो सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता या फेज थ्री पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में ब्लिट्स जो अखबार निकलता है इसी कोटि का अखबार है, ब्लिट्स जो अखबार है वो ज्यादा पीठ पत्रकारिता करता रहता है। तो ये हो गया आपका। अब आता है समाचार लेखन, समाचार लेखन की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से समाचार लेखन किया जाता है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो समाचार किसे कहते हैं, समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो बड़ा सीधा है कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्टिंग है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, ये समाचार हो गया। समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालें, जैसे निम्नलिखित इसके तत्व है, नवीनता होना चाहिए समाचार के अंदर, निकटता होना चाहिए, प्रभाव क्षेत्र होना चाहिए, जनरुचि होना चाहिए, टकराव या संघर्ष भी होना चाहिए, महत्वपूर्ण लोग हो उसके अंदर हो, उपयोगी जानकारी मिले, अनोखापन भी हो और पाठक वर्ग तो होता ही है और नीतिगत, इस प्रकार से ये इसके तत्व है। समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है, नवीनता जो होते हैं समाचार, तो एक एक करके बताने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ना है, है, है? नवीनता क्या नहीं बताता हूँ मैं आपको, है ना, कि समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक है, न्यू नहीं है तो समाचार नहीं है, बाकी समाचार को सुनता भी नहीं है, है? प्राय हर समाचार पत्र के पिछले 24 घंटों में घटी घटनाएं समाचार बनती है, है? दो दिन पुराने समाचार होगी तो अच्छा हुआ था कैसा, अच्छा अच्छा हो गया कोई तो ध्यान नहीं था, लेकिन 24 घंटे के पहले कुछ समाचार होती है तो लोग उस पर बड़ी सक्रियता दिखाते हैं और 24 घंटे के बाद तो वासी हो जाता है, वह समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार हम 24 घंटे की अवधि को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी सामने आती है तो वह भी समाचार कहलाती है। कुछ घटनाओं के परिणाम आने में अनेक वर्ष लगते हैं, जैसे हमारे जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है, ऐसी जानकारी समाचार बनती है। तो ये समाचारों की जो मैंने बताया आपको ये बातें हैं उनकी, और निकटता क्या होती है, प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, जनरुचि क्या होती है, टकराव या संघर्ष क्या होता है, महत्वपूर्ण लोग होना चाहिए, तो इन पर आप आपकी किताब है उसके अंदर देखना है ना, बहुत लंबा हो जाएगा और बताने की आवश्यकता है पर फिर भी आप पढ़ना है। जैसे टकराव की बात आई इसके अंदर तो लोगों की रुचि, युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि, इसलिए युद्ध, चुनाव, परिणाम आदि लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ये हो गया आपका। समाचार लेखन में किन किन की मुख्य भूमिकाएं होती है, तो समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं और छपने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल के सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है।
समाता होता है, जो समाचार को खिलाता है, कहाँ समाचार घटा है, कहाँ क्या घटना घटी, वो खिलाता है, फिर लिखपत करता है और संपादक मंडल देता है, फिर संपादक मंडल के नाम उसको छापता है। तो संवाददाता और छपने वाले प्रभाव जो संपादक मंडल है उसका बड़ा योगदान इसके अंदर होता है। ठीक है भाई, तो ये समाचार हो गया आपका। और समाचार या पत्रकार के दो प्रकार बताइए। तो समाचार पत्र का माध्यम, समाचार माध्यमों के पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्णकालीन पत्रकार। पूर्णकालीन पत्रकार जो होते हैं किसी विशेष समाचार संकलन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार, जिनको तनख्वाह मिलती है, अखबार वाला तनख्वाह देता है, वेतन रखता है, 60 साल की उम्र होती है वहां तक रिटायर नहीं होता, तो वहां तक करता है। अंशकालीन पत्रकार है, ये पत्रकार किसी समाचार संकलन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम किया करते हैं, वे एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। फ्रीलांसर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र पत्रकार फ्रीलांसर, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते हैं, ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार खबर सब देते हो छापते हो वो कि एक बार में अपने जो लेखन है वो भेज सकते हैं, दे सकते हैं, तो इनको बोलते हैं फ्रीलांसर स्वतंत्र के नाम से पत्रकार। ये हो गया आपका। समाचार कैसे लिखे जाते हैं या समाचार लिखने की शैली प्रकाश डालें या उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है, तो इसके बारे में देख लें कि समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है ना। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बाद में, तथा सबसे कम महत्व की बात सबसे अंत में लिखी जा सकती है, इसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। कि जो मेन बात है, खास बात सबसे पहले लिखी जाए, तो उससे कम महत्वपूर्ण है तो बीच में लिखी जाए, और जो उससे भी कम है महत्वपूर्ण है उसको क्या नाम है सबसे आखिर में लिखा जाता है, तो ये उल्टा पिरामिड कहलाता है। समाचार लेखन में 6 आकार क्या है सब जानते हैं, 6 आकारों के आधार पर समाचार बनता है, कौन कौन से, क्या कब कहाँ कौन कैसे क्यों, इस पे ही समाचार चलता हमारा है, क्या हुआ कब हुआ और कहाँ हुआ, कौन कौन थे उसके अंदर, कैसे हुआ है, क्यों हुआ। तो किसी भी समाचार की पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 प्रकारों का उत्तर दिया जाए है, क्या बात है, कौन सी घटना है, कब हुई, कहाँ हुई, कौन कौन उसके अंदर शामिल थे, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये 6 प्रकार के अंदर याद रखना, समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं है? कौन कौन से, क्या कब कहाँ कौन कैसे क्यों, इन पर ध्यान रखना। ठीक है, समाचार लेखन के कितने अंग अवयव होते हैं, समाचार लेखन के मुख्य रूप से 3 अवयव अंग होते हैं, शीर्षक हो गया, तो शीर्षक डाला, मुखड़ा हो गया और निकाय बोली हो गई है, 3 प्रकार से समाचार लिखा जाता है। समाचार के मुखड़े इंट्रो में कौन सी सूचनाएं आती है, अर्थात किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचार सामान्य क्या कब कहां और कौन की सूचनाएं होती है, इसका संबंध तथ्यात्मक जानकारी या सूचना से होता है, विश्लेषण या विवरण से नहीं होता है। ठीक है, और अगला नाश्यू भी इसी से संबंधित है कि समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहां होता है, क्यों समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या कब कहां और कौन के पश्चात होता है। समाचार के मुखड़े के बाद जहां समाचार का विस्तृत वर्णन या विवरण आता है वहां कैसे को स्थान दिया जाता है, क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण कैसे के बाद भी आता है, बाद में आता है। तो इस क्रम निर्धारण में के पीछे मूल कारण यह है कि पाठकों की रुचि सबसे पहले घटना के तथ्यों की जानकारी में होती है, बाद में वह उसका विस्तृत विवरण जानना चाहता है, अंत में उसके कारणों पर निर्णय करता है। तो ये समाचार की बातें हुई आपकी, ये भी याद करना पढ़ना, इसको यूट्यूब पर देखना ध्यान से। और अब है समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं, ऐसे प्रश्न समझ पड़ता आप याद कर लेना है। पूर्णकालीन पत्रकार के लिए कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समाचार लेखन काम का नीचे के कार्य कौन कौन से हैं, और अंशकालीन समाचार क्या होता है, फ्रीलांस पत्रकार क्या होता है, समाचार किसे कहते हैं, सूचना प्राप्त करने किन दो स्रोतों को टिप्पणी के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता क्या अर्थ है, फ्रीलांस होता है जो
असकाल पत्रकार साहब मिश्र के जो प्रश्न है भी एक पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी पढ़ना देखना है ना, ठीक है। और अब आती है बात समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषता क्या है, या मुद्रित माध्यमों की किन दो विशेषताओं का उल्लेख किए, या जनसंचार के माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए, प्रिंट माध्यम की किन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, है ये भी आता है। तो मुद्रण माध्यम की विशेषताएं होती है, इनमें स्थायित्व होता है, सबके आगे वो हमेशा रहता है, इन्हें धीरे धीरे सीधा अनुसार पढ़ा जा सकता है, जब टाइम मिल गया तो आराम से पढ़ लिया। एक ही समय चार समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम में कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह किया जा सकता है। इनकी भाषा अनुशासित तथा शुद्ध होती है, इनमें गूढ़ गंभीर विचार का विषय भी का समाचार भी समावेश भी होता है। तो ये हो गया समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की क्या कमजोरी है, अर्थात समाचारों के अंदर कौन सी कमजोरी है मुख्य रूप से देखी जा सकती है। तो समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम पठन पाठन से संबंधित है, निरक्षर लोगों के लिए बेकार माध्यम है, जिसको पढ़ा लिखना लिखना नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या समाचार पढ़ेगा, उसके लिए चाहे कितना भी अच्छा कितनी अच्छी खबरें हो कोई मतलब नहीं है। ये समाचार पर पढ़ने के लिए पाठक के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, यह है। और एक होती है डेडलाइन, जैसे डेडलाइन क्या होती है, डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लें कि कोई भी समाचार पत्र अवधि के बाद छपता है, कोई भी समाचार पत्र समाचार घट गया उसकी काफी समय निकल गया उसके बाद छपता है, वह अवधि किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। महत्वपूर्ण या उदाहरणतः प्राय समाचार पत्र हर 24 घंटे के बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपनी योग्य होती है, उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती है, अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। 24 घंटे के अंदर छप समाचार छप गया, खबर छप गई तो डेडलाइन है, और पहले के वो पुराने हो गए। ये हो गया रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम पहुँचते हैं, शब्द और आवाज के माध्यम से हम तक हमारे काम तक पहुँचते हैं। रेडियो द्वारा प्रकाशित प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यम से कीजिए, मुद्रित समाचार और क्या नाम रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की विशेषता। तो मुद्रित तो स्थायी होता है हमेशा, मुद्रित जो समाचार होता है वह स्थायी होता है, ये सुनते ही विलय होता है, एक बार सुन लिया और खत्म हो गया रेडियो के अंदर ऐसा होता है। और समाचार पत्र में क्या नाम से क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती है, कहाँ से पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है, कैसी पढ़ने से पढ़ गया, अपने क्रम में सुना जा सकता है, रेडियो या समाचार पढ़ के थोड़ा सुना सकता है, इसके लिए पढ़ने आना चाहिए और इसके लिए सुनने में समझ आना चाहिए आकाशवाणी के अंदर। मुद्रण में इसमें व्याकरण और उत्तर शुद्ध होना चाहिए और इसमें सुने जाने की व्यवस्था होना चाहिए, स्पष्टता पर्याप्त होना चाहिए। इसका माध्यम शब्द है और इसका माध्यम शब्द भी है और आवाज भी है आकाशवाणी का, ये हो गया इसके अंदर। और रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 भूभाग कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया इंट्रो है रूपड़ा, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 भूभाग में होते हैं इंट्रो रूपड़ा लीड, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। ये 3 चीजें रेडियो के समाचारों में हम खास रूप से देखते हैं। रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी एवं अंकित टाइप्ड होनी चाहिए, ताकि समाचार वाचक को उसे पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। इसमें संक्षिप्त अक्षरों छोटे अक्षरों संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को नहीं आने देना चाहिए, 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप याद करना। नेक्स्ट है रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं, रेडियो पर प्रकाशित होने वाले प्रसारित होने वाले नाटक को रेडियो नाटक कहते हैं, इसमें दृश्यों की जगह ध्वनि का ही प्रभाव बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। वहां पर देखते नहीं है उसमें क्यों आवाज आएगी, और आवाज के माध्यम समझ जाते हैं कि कौन कौन से कलाकार है और किस तरह के संवाद वहां दिए जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो ये बात है रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक को रेडियो नाटक कहते हैं, इसमें दृश्यों की जगह ध्वनि का प्रभाव बनाकर प्रस्तुत किया जाता है।
अगला है रेडियो समाचार की भाषा की दो विशेषता लिखी है, रेडियो समाचार की भाषा में व्याकरण शुद्धि की बजाय उच्चारण और श्रवण की शुद्धि पर बल होता है, उच्चारण स्पष्ट हो क्लियर हो और श्रवण जो ध्यान से सुना जा सके समझ में आ जाए, उसमें समाचार के क्रम पर भी ध्यान दिया जाता है। ये हो गया टेलीविजन पर प्रसारित समाचारों की विशेषता बताइए, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टेलीविजन पर प्रसारित समाचारों में शब्द ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है, इन्हें निश्चित समय पर निश्चित क्रम में सुनना पड़ता है। ये हो गया टीवी के पर प्रसारित समाचारों की विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए, तो विभिन्न प्रकार के समाचार आते हैं, फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज, ट्राई एंकर, फोन इन, एंकर यूजुअल, एंकर पाइट, लाइव, एंकर पैकेज, इस तरह से नाम दिया गया आपको। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में प्रश्नों को तत्काल पहुंचे जाती है, जैसे भारत 66 रन से जीता, बेनजीर में की बम धमाके में मृत्यु, इस तरह से। ड्राई एंकर से आप क्या समझते हैं, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है कहाँ कब क्या कैसे हुआ, ये दृश्यों के उपलब्ध होने पर से पहले की स्थिति है। फोन इनका क्या आशय है, इस स्थिति में एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके और दर्शकों तक सूचना पहुंचाता है, रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वहां पर बेहतर रहता है। एंकर यूजुअल जो बताया मैंने आपको कि किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है उसे एंकर पढ़ता है तो उसे एंकर यूजुअल कहते हैं। इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में समाचारों के साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट से क्या मतलब है, एंकर बाइट का टेलीविजन समाचार में एंकर बाइट को क्यों जरूरी है या एंकर बाइट की क्या विशेषता है, इस पर भी क्या नाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो बाइट का अर्थ है कथन, बाइट मतलब कथन। जब एंकर सूचना के साथ साथ किसी प्रत्येक दर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत दिखलाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं, इसमें समाचारों की प्रमाणिकता बढ़ती है। लाइव से क्या मतलब, लाइव से जो प्रसारण होता है लाइव कहलाता है। जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटनास्थल से प्रसारण किया जाता है उसे लाइव समाचार कहते हैं। एंकर पैकेज से क्या आशय है, एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयामों मौजूद होते हैं, इसमें एंकर द्वारा सूचनाएं संबंधित घटना की दृश्य बायोग्राफिक आदि सभी सूचनाएं उसी ढंग से दिखाई जाती है। ये हो गया आपका टीवी आकाशवाणी के बारे में, और अब बात करेंगे हम इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलता है इसके बारे में। तो इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है, इंटरनेट किसको कहते हैं, आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी अंतरजाल पर समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं, इसी को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, जो आप सुन रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, इस तरह के समाचार जो भी हमको मिलते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। इंटरनेट का बड़ा महत्व है, इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार है ये बात जानना जरूरी है। अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम है। इसमें शब्द ध्वनि और दृश्यों का प्रयोग होता है, सब मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि आपको आ रही है, दृश्य देख रहे हैं। इसकी सबसे विशिष्ट योग्यता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद संशोधित संवर्धित अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है ये बात भी जानना जरूरी है। वैसे तो आपको सब पता है, आप सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट को रखते हैं, मोबाइल पर इंटरनेट हमेशा आपके साथ होता है तो सब जानते हैं। तो भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है, भारत में निम्नलिखित समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यूनल अखबार आता है, स्टेटमेंट्स अखबार निकलता है, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक,
ये जो समाचार यह है ये कह रहा था कि इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं, और भारत की कौन सी नेट साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है, अर्थात इंडिया टुडे की नेट साइट है वह भुगतान करके उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती रहती है, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आउटलुक है, इंडियन एक्सप्रेस है, NDTV है, आज तक है, जी न्यूज है, ये के नाम से समय समय पर अपडेट होती रहती है। भारत की पहली साइट कौन सी है जो इंटरनेट पर क्रिया कर रही है, तो नाम है रीडीफ, ये के नाम से पहली इंटरनेट पत्रिका है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की, नाम जानते हैं तहलका.com जिसने सबसे पहले विशुद्ध पत्रकारिता का काम किया था। हिंदी वेब जगत में कौन सी साहित्य पत्रिका चल रही है, अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, हिंदी नेक्स्ट है, सराय है, ये पत्रकारिताएं हिंदी इस पर कहरा से चल रही है। इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के दो कारण बताए, अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता के दो लाभ भी हम कर सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो, टीवी तीनों से संपन्न है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे बाद नहीं हर 2 घंटे बाद संशोधित होती रहती है, इसलिए ये सबसे अधिक तेज और ताज़ा पत्रकारिता कहलाती है। ये हो गया आपका इंटरनेट वाला। अब है पढ़ते हैं विशेष लेख। विशेष लेख क्या होता है, विशेष लेख पर थोड़ा ध्यान देना आपको। विशेष लेखन से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं आप विशेष लेख से, तो सामान्यतः लेखन से हटकर किसी विशेष पर किया गया विशेष लेखन कहलाता है। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन भी कहते हैं, जैसे उदाहरण तक खेल है, फिल्म है, विज्ञान है, व्यापार है आदि विशेष क्षेत्रों में इसे संबंधित विशेष लेखन लेखन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बेस्ट क्या है, बेस्ट किसे कहते हैं, मतलब देश समाचार पत्र, टीवी, रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिलकर बैठकर विशेष विषय का लेखन करते हैं। ठीक है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग से क्या आशय है, अर्थात विशेषीकृत रिपोर्टिंग से आशय के लिए आवश्यक है कि यह कि लेखक को संबंधित विषय की गहरी जानकारी होना चाहिए। इस रिपोर्ट में केवल तथ्यों से काम नहीं चलेगा, उसके लिए गहन विश्लेषण भी जरूरी होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के विषय को संबंधित भाषा से भी पूरा अधिकार होना चाहिए। यह हो गया। एक होता है बीट, प्रश्न आता है बीट से क्या आशय है, या पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं, तो बीट का अर्थ है लेखन या रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। बीट का मतलब होता है लेखन या रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। उदाहरण पे अपराध हो गया, फिल्म हो गई, खेल हो गया, कृषि हो गया, अर्थ आदि अलग अलग बीट कहलाते हैं। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग से क्या आशय है, बीट रिपोर्टिंग का आशय यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना, इसमें कहाँ, कब, क्या, किसने क्या, इतनी जानकारी पर्याप्त होती है। ठीक है, विशेष रिपोर्ट के दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। दो प्रकार किसे है, दो प्रकार है, खेल है, सिनेमा है, ले सकते हैं। खेल व्यक्ति विशेष आ गया और सिनेमा में तो है। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है, विशेष रिपोर्ट के लेखन में किसी विशेष विषय की गहरी जानकारी के साथ साथ उस क्षेत्र की भाषा शैली का भी प्रयोग होना चाहिए, और जैसे व्यापार की भाषा चुना लुड़का है, व्यापार होता है ना, दाले उछली आदि प्रयोग से होते हैं। बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग का अंतर स्पष्ट कीजिए। बीट रिपोर्टिंग में किसी विशेष विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी होती है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेष से संबंधित गहन विश्लेषण होता है। इसमें घटनाओं के घटित होने के मूलभूत कारणों और परिणामों पर भी प्रकाश डाला जाता है। बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, फिल्म आदि के लिखने वाला पत्रकार बीट रिपोर्टर कहा जाता है। समझता उसी समझता में क्या अंतर होता है,
किसी भी भेद के तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाला को समता कहते हैं, किसी विशेष विषय विशेषज्ञ और विशेषक को विशेष समता कहा जाता है। संवाददाता के लिए उपयोगी दो बैसाखियों का उन्होंने बताइए कीजिए, तो संवाददाता के लिए उपयोगी दो बैसाखियों का बैसाखी है, पहली बैसाखी है प्रथम स्रोत पर पहुंचे, दूसरी बैसाखी है समाचार के सभी पक्षों का सही और संतुलित जानकारी, तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता निरपेक्षता और तटस्थता। ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, पहला स्रोत पर पहुंचे कौन सी चीज है क्या घट रही है क्या है, और दूसरी बैसाखी समाचार के सभी पक्षों को सही और संतुलित जानकारी दे, और तीसरी बात है निरपेक्षता जिसमें अपना कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तटस्थता होना चाहिए। ये हो गई विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार पृथक होती है। विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष होती है, खेल से संबंधित बेट बेट की भाषा में पीटा जीता हारा रौंदा घुटने टेके धुआंधार आदि शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। भारत ने पाक को नौ विकेटों से रौंदा है, न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है व्यापार की भाषा की विशेष शब्दावली क्या लिखी है, तथा व्यापार के जो समाचार आते हैं उनकी भाषा भी प्रकार की होती है, उसको पढ़ सकते हैं। व्यापार में बैंक शेयर बाजार जेम्स धातु के लेन देन तथा उतार चढ़ाव से संबंधित समाचार होते हैं, इसलिए इसमें तेजड़िए मंदड़िए बिकवाली व्यापार घाटा एफडीआई आवक निवेश आयात या सोने में भारी उछाल चांदी लुढ़की रिकॉर्ड तोड़े आसमान पर आदि शब्द और क्रियाओं का प्रचुर प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे सनसेट आसमान पर और जीरा उदे मुंह गिरा, इस प्रकार के ये जो विशेष लेखन की बात आती है तो ये भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। अब पढ़ेंगे संपादन, संपादन क्या होता है, संपादन किसे कहते हैं, संपादन का क्या तात्पर्य है। संपादन का तात्पर्य है किसी लिखित सामग्री को त्रुटिहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना, कोई समाधान है कोई चीज है तो उसको दोबारा पढ़े उसको शुद्ध लिखे और गलती हो तो उसको निसार करें और उसको पढ़े। संपादन का काम कौन करते हैं, संपादन का काम संपादक करता है, सहायक संपादक करता है, संपादक समाचार संपादक करता है, मुख्य संपादक करता है, उप संपादक करते हैं। संपादकीय के साथ संपादक लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता, संपादक के लिखने का काम कोई एक संपादक नहीं करता, यदि यह एक संपादक लिखता भी हो तो उसमें उसका निगरानी नहीं होती, उसकी आवाज पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज होती है, इस कारण संपादकीय के नीचे लेखक का नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, संपादक की दो दायित्वों का उल्लेख कीजिए, संपादक के दो प्रमुख कार्य क्या है। संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टर द्वारा लिखी सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं, उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं, सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे ले जाते हैं, महत्वपूर्ण बातों को त्याग देते हैं, तथा गौण सूचनाओं को बाद में छापते हैं, वे समाचार पत्र की नीति आचार संहिता जनकल्याण का ध्यान रखते हैं। संपादकीय से क्या तात्पर्य है, किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय का लेखन कहलाता है। ये लेख प्रतिदिन छपता है, आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित संपादक लिखे, इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है, वह निजी राय रखने की बजाय अपने समाचार पत्र की आवाज को महत्व देता है, वो लेख समाचार पत्र का मत आना चाहिए जाता है, किसी एक व्यक्ति का निजी मत न होने कारण संपादकीय के नीचे किसी एक का नाम नहीं कहा जाता है। संपादकीय के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो संपादकीय किसी भी पत्र का दिशा निर्देश होता है, वो उस पत्र के आदर्शों नीतियों और आकांक्षाओं का संकेतक होता है, न केवल संकेतक अपितु प्रेरक समीक्षक और सचिव होता है। संपादक के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों आदर्शों का ध्यान रखते हैं उन्हें संपादक के सिद्धांत कहते हैं।
तथ्य विशुद्धता हो गई, वस्तुपरता हो गई, निष्पक्षता हो गई, संतुलन हो गया और स्रोत की प्रारंभिकता एवंता हो गई। तो ये बातें हैं इसके अंदर। और समाचार संपादन में निष्पक्षता का क्या आशय है? निष्पक्षता का आशय है किसी एक के पक्ष में न झुकना। इसका तात्पर्य कि पत्रकार घटनाओं और सूचनाओं को न्यायसंगत रूप से प्रस्तुत करें। वह झुके तो न्याय के पक्ष में झुके, किसी मत जाति पार्टी विचारधारा के पक्ष में झुके हैं। ये आगे बात के अंदर। तो आगे देखते हैं, आगे आपके एक आता है कि आराम से संपादकीय, तो संपादकीय कह लिखते हैं उसकी क्या क्या विशेषता होती है, विशेषता के बारे में सुन ले थोड़ा सा, फिर संपादक आप लिखेंगे, है ना। संपादकीय का अर्थ, संपादकीय का अर्थ है संपादक पत्र के संपादक के विचार, है ना। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक हर रोज किन्हीं ज्वलंत विषयों पर अपने विचार करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा को प्रकट करता है। इस लेख के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार भी होता है। इसे संपादक को चाहिए कि वो स्वयं संतुलित टिप्पणियों ही प्रस्तुत करे। संपादकीय लेख में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है, किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं, किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है, किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है। जो भी हो, एक अच्छे संपादक में पूर्ण जो है वो आवश्यक है। वो देखें आप क्या गुण आवश्यक है उसके अंदर, कि संपादकीय लेख की शैली प्रभावशाली एवं सजीव होनी चाहिए, अच्छा लगे पढ़ने वाले को और प्रभावशाली इसकी भाषा हो। भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे शब्द होना चाहिए, सशक्त हो और प्रखर भी हो। बात में अगर चुटीलापन भी हो तो लेख आकर्षक बन जाता है। संपादक की हर बात बेबाक और सुस्पष्ट होनी चाहिए। धुलमुल शैली, हर बात को से डराना, अंत में कुछ न कहना, ये संपादकीय के दोष है, इससे बचना चाहिए। नीचे कुछ घटनाएं सूचनाएं समझ दी जा रहे हैं, इनके आधार पर संपादक के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो आप लिखने एक दो का नाम, जैसे टीवी द्वारा अपसंस्कृति का प्रभाव, इस पर आप लिखेंगे टीवी द्वारा अपसंस्कृति का प्रभाव, इस पर संपादकीय लिखेंगे। और दूसरा संपादकीय लिखेंगे पेपर लेक होने की बीमारी, पेपर लीक होने की बीमारी, है ना, ये हो गया आपका। और इसी प्रकार से एक चीज आती है आपके रिपोर्ट, ये दो संपादकीय लिखेंगे। हम जब आप मिलेंगे ठहरा तब उसको जांच करेंगे ना। रिपोर्ट में को प्रतिवेदन में बोलते हैं, प्रतिवेदन किस तरह लिखा जाता है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। ये एक प्रकार का लिखित विवरण होता है, इसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों की संस्था को संस्था के कार्य, परिणाम, जाँच या प्रगति का सही सही और पूरी जानकारी देना होता है। प्रतिवेदन के प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सभा का, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन, संस्था विद्यालय हो गया, सामाजिक धार्मिक राजी हो गया या वार्षिक मासिक प्रतिवेदन देते हैं, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन लिखते हैं, जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन लिया जाता है। तो इनमें से व्यावसायिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन और जांच समिति से संबंधित प्रतिवेदन तकनीक होता है, ये अपने स्वरूप में विस्तृत होते हैं। प्राय प्रत्येक वित्तीय कंपनी हर वर्ष अपना प्रतिवेदन पुस्तिका के रूप में छपवाती है। ये प्रतिवेदन हर सदस्य की जानकारी के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार जांच समितियों के प्रतिवेदन भी आकार में बहुत बड़े होते हैं, कई बार उनकी प्रश्न संख्या हजारों में हो जाती है। उनमें किसी जांच के एक ही गवाह के बयान, उनके प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर आदि का उल्लेख होता है। ऐसे विस्तृत प्रतिवेदन के साथ एक संक्षिप्त प्रतिनिधि दे दिया जाता है, जिसमें छोटी मोटी 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 जानकारी के साथ क्या नाम से जांच के निष्पक्षता का उल्लेख भी होता है। हर सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्था अपने वार्षिक कार्यक्रम पर वर्ष भर की प्रगति का विवरण करती है। ये प्रतिवेदन भी आकार में स्थित होता है। इसे तीनों प्रकार के प्रतिवेदन परीक्षा करनी है। परीक्षा में इनकी लेखन शैली का पूछा जा सकता है, किंतु लिखना नहीं आ सकता। अगर छात्रों को छोटे छोटे कार्यक्रमों, बैठकों, सभाओं, सम्मेलनों के प्रतिवेदन लिखने का अभ्यास करना चाहिए, यही परीक्षा भी होगी। पास में आगे तो श्रेष्ठ प्रतिवेदन किस लिखनी है, इसकी थोड़ी सी हमने आपको जानकर दे दूँ। प्रतिवेदन पूरी तरह स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए, जो भी लिखा जाए बातें हो और स्पष्ट लिखा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए।
उसकी भाषा न तो अलंकृत हो और न मुहावरेदार हो, उसमें तथ्यों की सूचना पर होनी चाहिए, किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ निकलने चाहिए। भाषा निर्वैयक्तिक होना चाहिए, प्रथम पुरुष में हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण में लिखने की बजाय मैंने ये निर्णय लिया, ये लिखना चाहिए बैठक में ये निर्णय लिया गया है। सभी तथ्य सत्य प्रामाणिक अनुसार होना चाहिए और केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए, संक्षिप्तता का बराबर ध्यान रखना चाहिए। तथ्यों को तर्क और क्रम में ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए। प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी देना चाहिए, शीर्षक मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला होना चाहिए। प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य विषय को अलग अलग अनुच्छेद लिखना चाहिए, यदि एक विषय लंबा हो तो उसे विभिन्न विषयों अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को या सभा दर्शक संस्था के अध्यक्ष को स्थापित को हस्ताक्षर करना चाहिए अंत में, ठीक है। तो प्रतिवेदन की विधि क्या है, प्रतिवेदन लिखने से पहले व्यक्त कर लेना चाहिए जिसमें क्या क्या चीजें हैं, संस्था का नाम सबसे पहले, बैठक सम्मेलन सभा का नाम उद्देश्य होना चाहिए, आयोजन स्थल का नाम, आयोजन की दिनांक और समय की सूचना, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, अध्यक्षता, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतियोगी सदस्य, गतिविधियों की जानकारी, भाषण है तथा तो इसका मुख्य बिंदु सुझाव है तो उसकी जानकारी, निर्णयों की जानकारी, कोई प्रतियोगिता क्लास में प्रस्तुति हुई हो तो उसका उल्लेख भी होना चाहिए, प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसकी जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे मान लो किसी विद्यालय ने कोई संगम समिति है उसने क्या प्रतिदिन देना, कैसे देंगे, दिनांक 20 मार्च 1920 है को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फलां जो भी नाम उसको दे सकते हैं, कि दिल्ली की सांस्कृतिक संस्था उसकी जो विद्यालय संस्था है संगम समिति का एक बैठक दोपहर 2 बजे आरंभ हुई, इस बैठक की अध्यक्षता हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक जो भी नाम है उनका या प्रिंसिपल साहब उनका नाम लिखते हैं, कि बैठक में मुख्य रूप से सदस्य उपस्थित हुए, जैसे अशोक चक्रधर जी सचिव हो गए, रमेश उपाध्याय जो कोषाध्यक्ष हो गए, मुलायम सिंह जी अध्यापक सदस्य हो गए, ज्योति प्रसाद अध्यापक सदस्य हो गए, प्रतिभा शर्मा अध्यापक सदस्य हो गए, कमल सरोवर सदस्य हो गए, अर्पिता और क्या नाम है रोहित जुनेजा अरोड़ा ये छात्र छात्र सदस्य हो गए। इस बैठक में इस वर्ष विद्यालय में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए, क्या निर्णय लिए गया कि 15 अगस्त 1920 को भारत की स्वतंत्रता की 72वीं जो भी वारी भारत वर्षगांठ पर भक्तिपूर्ण गीतों तथा नाटकों का आयोजन किया जाए जिसमें हर कक्षा के छात्रों का प्रतिनिधित्व हो। एक बात ये हो गई, छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए देशभक्ति पूर्ण गीतों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जाए, संभव हो तो इसका आयोजन अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के रूप में किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चेतना जागृत करने के लिए 2 अक्टूबर 1919 को छात्र विद्यालय के बाहर सड़क पर उगे पेड़ पौधों की उचित रक्षा तथा साफ सुथरा करें, इन कार्यक्रमों को स्थिर रूपरेखा बनाने के लिए 23 अप्रैल को बैठक की जाए, अपराध 3:30 पर बैठक समाप्त हो गई, नीचे हस्ताक्षर इस प्रकार का हो गया। और भी आ सकते हैं प्रतिवेदन, ये हो गया प्रतिवेदन। और एक होता है आलेख, तो आलेख के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें थोड़ी सी। आलेख को लेख या निबंध का ही एक रूप मानना चाहिए, लेख में किसी एक विषय से हमें समझ विचार होता है, आलेख में लगा आ उपसर्ग का प्रकट करता है कि वो लेख समान और सम्यक होना चाहिए। इस प्रकार आलेख की गद्य लेखन की विधा है, इसमें किसी एक विषय पर सर्वानुपूर्णता सम्यक विचार होते हैं। इसके गुण क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी संपन्न होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली करने की शक्ति होना चाहिए, विचार इतने स्पष्ट और विभाग होने चाहिए कि पाठक में पता चला जाए, भाषा अत्यंत सरल सुगम और प्रभावी होना चाहिए, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, आलेख में विचार होते हैं कथा नहीं, अतः कथा शैली का बजाय वेतन और सहन शैली का प्रयोग करना चाहिए। प्राय आलेख ज्वलंत मुद्दों विषयों प्रसिद्ध विषयों महत्वपूर्ण व्यक्तियों चरित्रों अवसरों पर लिखे जाते हैं, तो ये आलेख हो गए, कुछ आलेख आप एक नाम लिखते हैं देता हूँ आपको,
जैसे अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, एक तो हो गया, दूसरा है जहाँ सोच वहाँ सोचा है, या मेक इन इंडिया, या महंगाई, बाल श्रमिक कोई समस्या, और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भ्रूण हत्या की समस्या, और उलटते गांव उलटते शहर, ये हो गया आपका सांप्रदायिक सद्भाव, किसानों की समस्या, ये हो गया। एक आता आता के आराम से फीचर लेक, तो फीचर लेक कैसे लिखा जाता है, ये थोड़ा सा इसका मूल को समझ लें कि फीचर लेखन का आशय है महत्वपूर्ण समाचार है, फीचर में मनोरंजन का स्थान होता है, पहला है समाचार और सूचना का, दूसरा दोनों चीजें होना चाहिए, मनोरंजन भी हो और समाचार और सूचना भी हो, ये दोनों फीचर की अनिवार्य अंग है, न तो मनोरंजन प्रस्तुति के साथ कोई समाचार फीचर हो सकता है और न किसी सृजनात्मक सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्श या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सूचना समाचार को इस समाज सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह हो रहा है तो उसे फीचर कहते हैं। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मानवता और शैली का रचना का विशेष भूमिका होती है। फीचर लेखन की शैली अलग प्रकार की अलग अंदाजे होती है, उसका आरंभ कलात्मक उत्सुकतापूर्ण और आकर्षक होना चाहिए, अंत में भविष्य की संभावनाओं को प्रकट करना चाहिए। फीचर में लेखक के निजी मत भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये फीचर हो गया आपका, इसमें एक दो टॉपिक लिख लें, वन रहेंगे हम रहेंगे इसको लिखना है, चुनाव प्रचार का एक दिन इसको लिखना है, भीड़ भरी बस के अनुभव ये भी हो सकता है, और गुप्त होता बचपन, बस्ते का बढ़ता बोझ ये भी हो सकता है, और आज की दूसरी खान पान के बारे में क्या खा रहे हैं हम, हो सकता है जीवन है या तनाव है, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं वो आप लिखेंगे इनके बारे में। तो ये आपका पिछले के बारे में हो गया, और इस प्रकार से लगभग व्याकरण का जो आपका संपूर्ण हो गया है, और जब कोई बात सुनने नहीं आ रही है तो जब मिलेंगे हम तो हम बात करेंगे, उसको लिखेंगे भी और जांचेंगे, ऐसा राय से मिल रहे थे, ठीक है बेटा। तो आज के साथ संपन्न करते हैं, हमारे व्याकरण का दो पेड़ ले लिया आज बड़े बड़े।